आज आ चुका हूं फिर से ट्राई करने माइनक्राफ्ट के कुछ खतरनाक क्लोन गेम्स जो कि आप लोगों ने मुझे बताए हैं। पर इन सब गेम्स का एंड में करेंगे हम रिव्यू, लेट्स गो। तो ये रहा हमारा प्ले स्टोर, काम करते हैं क्राफ्ट्समैन हार्डकोर को करते हैं डाउनलोड और एक करते हैं क्राफ्ट्समैन ज़ॉम्बी एपोकलिप्स इसको भी कर लेते हैं डाउनलोड। लंडन ग्राफ ब्लॉक की बिल्डिंग, अच्छा तो आई थिंक ये लंडन पे बेस्ड होगी तो इसको करते हैं इंस्टॉल। रेटिंग अच्छी वैसे 4 की। ये कौन सी है भाई? तो यहाँ पे नीचे और भी गेम्स है, एयरपोर्ट क्राफ्ट, फ्लाई सिमुलेटर, अच्छा इसको भी ट्राई करते हैं, कुछ यूनिक ट्राई करेंगे भाई। अब ओ भाई साहब, अरे भाई ये तो खतरनाक लग रही है वैसे, अरे भाई साहब। तो आज मैं कुछ यूनिक गेम्स ट्राई करने वाला हूँ, कॉप्स एंड रोबर्स। तो आई थिंक ये कोई शूटिंग गेम है जो कि मे भी माइनक्राफ्ट से इंस्पायर्ड होगी। इसको हम चलते हैं क्राफ्ट्समैन रीबोर्न। मैंने तो हार्डकोर डाउनलोड की थी, सही है डाउनलोड होते नाम ही बदल दिया गेम का। तो गेम हो चुकी स्टार्ट और बैकग्राउंड क्या बात है, माइनक्राफ्ट वाला ये ओके। कब बंद करूंगा भाई ऐसी हरकतें में। वेलकम टू क्राफ्ट्समैन 2024 रीबोर्न। अच्छा तो ये रहा मैं स्टीव, और नाम मेरा स्टीव है लेकिन हूँ मैं एलेक्स, क्या बात है। और यहाँ पे सिर्फ दो चीजें हैं। मैंने सर्वाइवल रीबोर्न थोड़ी की थी डाउनलोड यार, जहाँ तक मुझे याद है मैंने हार्डकोर की थी, पता नहीं यार। तो ये है सेटिंग्स जो की बहुत ही कम है, कुछ भी नहीं है भाई यहाँ पे तो। और चलो और तो कुछ भी नहीं, इसको करते प्ले। फ्रेंड्स सर्वर्स, ओके सर्वर्स है इसमें, क्या बात है। तो एक काम करते क्रिएट करते गेम को, ये करते क्रिएटिव, बाकी कोई चीज है सील डालते अपना भाई। विस्टी पाई ऑलवेज शो कोऑर्डिनेट्स, कंट्रोल मुझे चाहिए नॉर्मली भाई। तो ये आ चुका हूँ मैं वर्ल्ड में, और क्या बात है भाई इसके जो यूआई कंट्रोल्स के जो ये है बहुत कूल लग रहे हैं भाई, बाकी जैसे नहीं है। बाकी तो या तो येलो कर देंगे या तो पता नहीं क्या कर देंगे। सही है भाई, ये क्या चीज है इमोट, चलो इमोट्स तो सेम ही होंगे, छोड़ो कौन ट्राई करे। तो सबसे पहले भाई क्या चेंज है इस गेम में, मुझे ये चेक करना है, कुछ ना कुछ तो चेंज होगा। इन्वेंट्री में देखे तो लाल थीम अच्छी लग रही है वैसे, जेन्युइनली भाई येलो से तो बहुत बेहतर है। तो भाई टेक्सचर्स तो बिल्कुल सेम ही है भाई, टेक्सचर से याद है पहले यहाँ के टेक्सचर्स ने देखे, ये बायोम कौन सी है भाई बेकार सी। तो ये विलेज जो कि ओके सेम है, वैसे इसके टेक्सचर्स भी देखे तो सेम ही है, कोई चेंज नहीं है। देखो ग्रेवल, स्टोन, कॉपर और आयरन गोलम, क्या हाल चाल तेरे। हेलो, आयरन गोलम भी सेम है माइनक्राफ्ट वाला, मतलब ठीक है खतरनाक कॉपी है भाई। रीबोन के नाम पे भाई माइनक्राफ्ट दे दिए। हम देख रहे थे इन्वेंटरी जो कि बहुत कूल लग रही है भाई रेड थीम के साथ, और क्या बात है भाई सही है। टोटम एलिट्रा दोनों माइनक्राफ्ट वाले हैं, क्या बात है। मोस्टली गेम्स में चेंज होते हैं, मतलब टेक्सचर्स तो बिल्कुल सेम ही है माइनक्राफ्ट वाले। तो काम करते हैं लेते ऑब्सिडियन को और लेते आईओ फेंडर को, चलो नेदर में। तो ये रहा नेदर, क्या बात है भाई एकदम सेम है, कोई चेंजेस नहीं भाई टेक्सचर्स में, बिल्कुल सेम है, क्या बात है। और क्या हाल चाल है तेरे, रोने वाली क्या बात है इसमें, और घूमने वाली भी क्या बात है, ये ले भाई। अरे मरने वाली बात भी नहीं थी, अबे साले। चलो ये छोड़ो हम चलते हैं उस तरफ। तो ये आ चुका मैं फोर्ट्रेस के पास, फोर्ट्रेस कहाँ है भाई, ओके ये रही। तो ये बायोम भी यहाँ पे है जो कि सेम है, तो मतलब सब कुछ सेम ही है इसमें, देखने वाला कुछ और है नहीं। अब चलते हैं स्ट्रॉन्ग होल्ड को देखने भाई, क्या बात है भाई। स्ट्रॉन्ग होल्ड हमेशा विलेज के नीचे ही होता है इन सब गेम्स में, पता नहीं क्यों, जावा में तो ऐसा नहीं होता भाई, बहुत रेयर होता है ऐसा। तो ये रहा स्ट्रॉन्ग होल्ड जो कि ऑब्वियसली सेम होगा, ये लाइब्रेरी और एक और लाइब्रेरी वो नीचे है, बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड है ये तो। और ये रहा पोर्टल, चलो भाई अब देखते हैं एंडर ड्रैगन को एंड सिटी को। हाँ भाई उड़ते परिंदे, कहाँ पे है तू, आवाज तो आ रही हो रहे भाई, सरप्राइज मुझे डराएगा, ये ले अरे डर के भाग क्या। तो ये रही एंड सिटी, क्या बात है। और शिप होनी चाहिए यहाँ पे, आई डोंट थिंक है, अरे नहीं वहाँ पे है भाई, अरे भाई मैं भी गलत उस तरह देख रहा था मैं, क्या बात है। एंड सिटी सेम है, एंड भी सेम है, सब बढ़िया सब चंगा। तो ये भी क्राफ्ट्समैन की है, ज़ॉम्बी एपो, ये क्या लिखा भाई एपोकलिप, अच्छा एपोकलिप्सिस, मैं सोचो स्पेलिंग गलत लिखे रहे लोल, चलो कोई नहीं एपोकलिप्सिस खेलते हैं, लेट्स गो। इसमें भी एड्स बहुत ज्यादा होने वाली है मुझे लगता है भाई, गेम शुरू हो ही नहीं एड्स पहले आ गई। तो ये रही गेम भाई, ये क्या है भाई, सेटिंग्स तो बहुत मस्त है भाई इसकी, लेकिन ये क्या है, आई थिंक ये भी वैसा सीन होने वाला है, यहाँ से प्ले करूंगा एक नई गेम खुलेगी अंदर, लेट्स सी। है नहीं भाई ये तो धोखा हो गया भाई मेरे साथ, अबे भाई क्रिएटिव करते इसको प्ले। लेकिन यहाँ पे स्किबरी टॉयलेट क्यों है भाई, हमें तो ज़ॉम्बीज देखने थे, पता नहीं भाई क्या है इसमें। भाई मैंने लिटरली 6 hours देखे लगातार, लिटरली 6, पता नहीं क्या होगा भाई इस गेम के अंदर। और तो ये आ चुका आई थिंक गेम में, और मेरे पास गन है और बहुत सारे ज़ॉम्बीज देखे मैंने। सबसे पहले भाई सर्वाइवल से क्रिएटिव करना है, मैंने बाहर किया था लेकिन आई डोंट नो हुआ क्यों नहीं। तो अब देखते हैं भाई जरा क्या सीन है बाहर का। ओ भाई साहब इसको मार के देखते हैं भाई एक बार, तो गोली तो वो पीछे चली गई, वो देखो वो जा रही है, इसको क्या हो रहा है, एक जन यहाँ निशाना लगा के देखते हैं, एक सेकेंड, हाँ चलो ओके। ओ भाई साहब इसको क्यों अचानक से, यार ये कुछ अजीब सा मामला है, ये कहाँ पे और में, अरे तो ऐसे एक फ्लैट वाले में बना रखा है इन्होंने एक स्ट्रक्चर सा, भाई साहब स्ट्रक्चर नहीं वैसे रोड वोड सब है यहाँ पे। आगे चल के देखते हैं, बहुत सारा ज़ॉम्बीज है यहाँ पे, ये तो बिल्कुल ऐसा ही सेम स्ट्रक्चर है, मे भी 2-3 बना रखे होंगे। तो एक काम करते हैं सबसे पहले हम देखते हैं इसकी इन्वेंटरी जो कि ओके सेम है, थोड़े बहुत ग्राफिक्स अंतर होगा देख सकते हो, और रेड फेस है भाई। और ये क्या चीज है भाई, आइटम क्रिस्टल स्वॉर्ड, स्वॉर्ड फिश, डायमंड, गोल्ड, अच्छे अरे भाई साहब नए नए टूल्स भी ऐड हुए इसमें, क्या बात है, सही है यार ये तो। बट हम सबसे पहले चेक करेंगे भाई, अगर हम इसमें सबसे पहले हम इसके नेदर और एंड में चेक करेंगे क्या मामला पानी है, हम जा भी सकते हैं या नहीं, वैसे जाना तो चाहिए भाई हमको। चलो भाई तो आ चुका हूं मैं नेदर में, पता नहीं कहां पे आया और मैं। तो ये रही नॉर्मल बायोम,
और भाई सब सेम ही होगा ऑब्वियसली, तो मैं यहाँ ज्यादा चीजें देखूंगा नहीं, तो नेदर तो देख सकते हो थोड़ा बहुत स्मूथनेस में फर्क है, आई मीन टेक्सचर्स के, बाकी सब सेम है। हॉग्स है यहाँ पे, हॉगलिंस है, घास की आवाज भी आई थी, सब कुछ सेम ही होगा। बाकी देख सकते हो भाई कितना मस्त लग रहा है ये, नॉट बैड। अब चलते हैं स्ट्रॉन्ग होल्ड में, उसको देखते हैं। तो गाइस बात कुछ ऐसी है, इस गेम में कमांड्स बिल्कुल नहीं चल रहे, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो मैंने डाला, कुछ नहीं आ रहा, यही सेम नेदर में भी हो रहा था फोर्ट्रेस के रिलेटेड। तो मुझे काम करना पड़ेगा कि मुझे स्ट्रॉन्ग होल्ड तो दिखा पाऊंगा नहीं मैं, तो एक तो यहीं पे मुझे ये बनाना पड़ेगा, तो एंड सिटिंग नहीं जा पाऊंगा, फिर तो मैं एंड ही दिखा देते हैं भाई थोड़ा बहुत। चलो यार एक्टिवेट नहीं हो रहा यार, अभी एकदम ढंग से बनाया यार मैंने, फिर भी नहीं हो रहा, नहीं हो रहा भाई एक्टिवेट। ये पता नहीं क्या सीन है, मे बी इसमें एंड है ही नहीं, पता नहीं भाई क्या सीन है। ट्राई करते हैं लंडन क्राफ्ट, लेट्स सी भाई कैसी होती है ये, बस आई होप चल पड़े, क्योंकि आधी से ज्यादा गेम्स तो चलती नहीं है भाई। ओके तो चल पड़ी ये गेम, तो ये है लंडन क्राफ्ट। ओके ऑब्वियसली भाई, तो ये रही गेम और रिमूव एड्स अदर गेम्स। अच्छा तो ये एडवर्टाइजमेंट है, इसको मैं हिला सकता हूँ, लॉल चल वहाँ पे। हाँ भाई अरे उधर जाओ। तो सबसे पहले यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है भाई, सीधा प्ले करते हैं, क्योंकि बाहर तो एड्स का ही सीन है, और इतनी बड़ी एड आगी भाई ऊपर। तो ये रहा हमारा कैरेक्टर, इसको हम कस्टमाइज कर सकते हैं, मूव भी कस्टमाइज कर सकते हैं क्या। अच्छा तो ये बाकी आई थिंक एड देखनी पड़ेगी हम भाई, इतने वो नहीं है। ये सब क्या है भाई, माउंटेबल माउंटेबल कूल चीता, चीता तो लग नहीं रहा भाई, क्या है ये, पोनी तो नहीं भाई, चीता ही ले लेते हैं क्योंकि हम है बीस्ट। अरे ये क्या है भाई, ये चीता है लॉल, वैसे कोशिश अच्छी किन बनाने की। अच्छा मैं वैसे माउंट कर सकता हूँ इस पे, चलो क्या बात है भाई। तो यहाँ पे इसकी कुछ ये है इन्वेंटरी, जो कि हम यूज कर सकते हैं, बट अनलॉक कर सकते हैं एक्स्ट्रा ब्लॉक सेट्स वगैरह देख के, जो कि हमको नहीं करने। तो यहाँ पे नीचे भी कुछ है, अच्छा ये प्लांट्स है, ये आई थिंक अरे गाड़ियां भी है मेरे पास, ये वाली कौन सी गाड़ी है, वो रही, ओहो क्या बात है। तू नीचे उतर भाई, और तेरे पे चल सकता हूँ मैं, ओ भाई क्या बात है, इसको उड़ाते हैं भाई जल्दी से। है ये क्या हुआ, अरे पर ये यार बहुत स्लो चल रही है, क्या है ये, बाहर निकल भाई, हम बाकी की इन्वेंटरी देखते हैं पहले। तो यहाँ पे क्राफ्टिंग के लिए भी, अच्छा घर वगैरह बना सकते हैं हम। ओके अचीवमेंट्स तो भाई क्या ही होगी मेरे पास, प्लेयर तो ये हूँ मैं, कस्टमाइज यहाँ से भी कर सकते हैं, सेटिंग्स है बाकी तो। रिमूव एड्स, सेव द वर्ल्ड, क्वालिटी भाई हाई रखो यार, क्या बात कर रहे हो तो? मिड डे ठीक है ये, हेलो अंकल नमस्ते, चलो काम की बात करते हैं। मैं इसको दिल दे रहा हूँ क्या अपना, क्या हो रहा है, अरे लड़का, अरे भाई क्या कर दिया मैंने। तो यहाँ पे ये क्या है, घर बना सकता हूँ मैं अपना खुद का, ये अच्छा लग रहा है। ओके तो हाँ अब ठीक है, चलो टू विल बिल्ड योर टैब लॉर्ड्स। अच्छा तो मैं अपना घर बना रहा हूँ, तो पता नहीं भाई ये क्या गेम थी, मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैंने वैसे एक्सप्लोर भी नहीं किया क्योंकि मजा नहीं आ रहा था। तो हम करते एयरपोर्ट क्राफ्ट को ट्राई, चलो भाई ये भी ऐसी होगी भाई, क्या ही चेंज होगा इसमें। बट मैं बहुत टाइम से सेम ही गेम्स ट्राई कर रहा था, तो मुझे कुछ यूनिक ट्राई करना था, और लोडिंग तो भाई वैसी हुई इसकी जैसी उसकी थी, और सब कुछ सेम ही है भाई, मेरे हिसाब से भी वैसी होने वाली है। कोई बात नहीं, एक दो एयरप्लेन ही चला लेंगे अगर चलाने का मौका मिला तो। पता चला भाई आधी उम्र मेरी एड्स देखने में निकल गई। देखो भाई बिल्कुल सेम है, बस यार नाम बदला हुआ है, और ये देखो एड का सिस्टम भी सेम है। चल वहाँ पे चलो करते हैं प्ले, देखते भाई क्या होता है। चलो भाई सब कुछ सेम ही आ रहा है, चीजी कैट लेते हैं भाई। ओके सब कुछ सेम है यार। ओके तो मैं आ चुका हूँ यहाँ पे, अरे मेरे को प्लेन चलाना है भाई, क्या करवा रहे हो मुझसे, ये समझ गया भाई, नहीं चाहिए मुझे ट्यूटोरियल। और ये क्या है, ओके क्या बात है भाई, तो मैं यहाँ पे चला सकूँ कुछ भी तो नहीं, लेकिन ये तो खरीदने पड़ेंगे शायद, यही दो प्लेन चला सकता हूँ। ये क्या है, ये चलाते हैं भाई, बोइंग 737 मस्त लग रहा है भाई, गोरेट लोटे है ये, क्या जगह है। चलो भाई ओके तो मैं शुरू कर दिया है, ऊपर कैसे लेके जाते हैं भाई, अब भाई ये तो बताओ ऊपर कैसे लेके जाए, अरे यार क्या गेम है ये भी, छी यार। तो क्योंकि ये मोटोक्राफ्ट भी वैसी होगी, तो मैं इसको भी नहीं खेलने वाला, अब सीधा चलते कॉप एंड रोबर में। भाई सही में कितनी बेकार गेम्स थी यार ये, हंसी आ गई भाई मुझे, अब आप बोलोगे हंसी आई लेकिन हंसा नहीं। हेलो अबे साले, अरे तो गेम ही नहीं चली यार ये वाली, यार कितनी गंदी किस्मत है यार मेरी सही में। ओके थोड़ी लेट चली लेकिन चल पड़ी है। ओके थैंक यू भाई, बहुत स्लो चल रही है यहाँ पे, बट कोई नहीं काम चला लेंगे, एटलीस्ट चली तो सही है। तो ये गेम चल पड़ी है, और कलेक्ट करो बैटल नाउ। भाई मुझे बताओ तो सही करना क्या है पहले, यार ये बार भाई ये गेम लिटरली बार बार क्रैश हो जा रही है, मैं चौथी बार चला रहा हूँ इसको। अब अगर ये फिर से क्रैश होती है तो हम खेलेंगे क्राउड्समैन को, क्योंकि और तो क्या ही खेले है। अब ना क्रैश हो प्लीज प्लीज प्लीज। ओके चल पड़ी, क्या बात है नहीं चली। तो ये गेम तो चल रही है लेकिन बार बार क्रैश हो जा रही है, तो छोड़ो भाई। तो हमने ट्राई की ये कुछ गेम्स, ये तो नहीं की भाई, ये बहुत बेकार गेम्स थी सही में, ये वाली चली नहीं, बाकी ये दो चली ठीक थी, ये नॉट बैड, बट इस वाली में कमांड्स नहीं चल रही थी, और एंड में नहीं जा पाया मैं क्योंकि एक्टिवेट नहीं हुआ पोर्टल, चला ही नहीं पता नहीं क्यों। बाकी बढ़िया गेम है, ये वाली भी बढ़िया थी भाई, एकदम डिटो कॉपी थी माइनक्राफ्ट की, मजा आ गया। रिबॉर्न मैंने हार्ड कोड की थी, ये पता नहीं कहां से होगी, सही गेम थी सारी, बट इनको छोड़ के बची क्या, फिर यही दो बची।
तो उसको करते हैं ट्राई, देखते हैं भाई अंदर से कैसी होती है ये। आई होप मस्त निकले। तो ये और ये गेम ऑन, इसका क्या नाम है, ये मैंकरा है। मैंने तो कुछ डाउनलोड किया था, मे भी कंपनी का नाम है ये। ओके तो ये, ओ भाई बैकग्राउंड कितना गंदा है भाई इसका, या फिर लोड ही नहीं हुआ या फिर है ही ऐसा। यूआई कहां गई भाई पूरी। अरे ये क्या चीज है भाई, अरे तो खतरनाक सीन है। जावा क्राफ्ट, ओ भाई भाई ये तो बिल्कुल लिटरली जावा है ये तो। क्या बात है भाई, सही है यार ये तो, मतलब ये सब जावा के फीचर्स है, मतलब यूआई फीचर्स क्या ये। एक काम करो इसको सीधा प्ले करके देखते हैं कैसी है। देखो इन्होंने कर्सर भी दे रहे, अरे भाई वर्ल्ड क्रिएशन भी वैसी ही है। क्रिएट न्यू, चलो ये तो पॉकेट के दे दी इन्होंने, कोई बात नहीं। चलो इसको क्रिएट करते सीधे। भाई देखो इसकी तो ये लोडिंग भी वैसी ही है भाई, ये मुझे वैसे इसकी जरूरत नहीं थी, ये जो इन्होंने बेकार सा एक्स्ट्रा ये दे दिया है कर्सर। ओके तो गेम में आ चुका हूं मैं। सबसे पहले भाई देखते इसमें क्या क्या सीन है। सबसे पहले तो स्प्लिट कंट्रोल ऑन करने हमें, एक प्लस आ जाएगा जावा जैसा, बाकी तो क्या ही चेंज होगा इसमें। और यहाँ पे इसके ग्राफिक्स देखे तो बिल्कुल जावा वाले है, हल्के से इन्होंने अपने खुद के मॉडिफाई किए हुए मेरे हिसाब से। हाँ देख सकते हो जावा में ऐसे नहीं होते, क्योंकि मैं जावा ही खेलता हूँ तो मुझे पता है भाई इस गेम में सैट बहुत ज्यादा है, लिटरली बहुत। सबसे पहले इसकी इन्वेंटरी देखते हैं, जावा जैसी तो बिल्कुल नहीं है भाई, या फिर पता नहीं भाई। देखो ग्राफिक्स तो माइनक्राफ्ट के ही है, नो चेंज, क्योंकि ये जावा एडिशन बना रखी पूरी। देख सकते हो भाई सब बिल्कुल सेम है, बढ़िया है भाई, बढ़िया है, नॉट बैड। अब एक काम करते हैं, यहाँ से लेते हैं ऑब्सीडियन। हाँ वैसे इसकी इन्वेंटरी भी जावा जैसी है, बस ये थोड़ी यूआई पॉकेट वाली है, इसलिए मुझे वो ऑप्शन नहीं मिला जो क्लासिक कर दे। बट देख सकते हो सर्च करने वाला भी जावा वाला है, बाकी वैसे जावा का ये सब। अरे इसकी देखो ये भी सही है भाई, जावा वाला सीन है इधर भी कमांड्स का। ये रे हमारी विलेज, और जो कि ओके विलेज के नाम पे बस एक ही घर दिख रहा है मुझे। ओके दो तीन वहां पे भी है, क्या बात है। देखो विलेज भी सेम है, ये बायोम भी बिल्कुल सेम है। और भाई विलेजर्स एक सेकंड भाई, तेरे से कुछ काम है मुझे, एक सेकंड भाई बस एक सेकंड, ये ले आया बाबा। अबे साले चलो अब यहाँ पे बनाते अपना पोर्टल भाई। हेल्थ बहुत ज्यादा इस गेम में, लिटरली बहुत ही ज्यादा। ओके बैकग्राउंड बढ़िया है, जावा वाला है, जो वर्ल्ड जनरेटिंग लोडिंग वाला सीन होता है। ये रहा नेदर जो कि ओके यार, हमेशा मुझे पता नहीं कहाँ टेलीपोर्ट कर देते हैं, कहीं बायोम वगैरह में रखा करो यार। ये देखो क्या है ये, क्या करूँ मैं यहाँ पे, पता नहीं कहाँ गुफाओं में टेलीपोर्ट कर देते हैं, ये जगह भी नहीं भाई। नेदर सेम ही होगा यार, क्या ही दिखाऊं मैं इसमें। चलो इसलिए वापिस चलते हैं भाई। A few moments later. तो यहाँ वाले सोंगड़ में भाई विलेज है ऊपर, पता नहीं क्या सीन है भाई इन सबका। मैं भी पॉकेट एडिशन में होता होगा ये, क्योंकि जितनी भी गेम्स खेली अभी तक मैंने, 50 या 60 जितनी भी खेल चुका हूँ, सब में ऐसा ही सीन है भाई। ये रहा हमारा पोर्टल, तो ये रहा हमारा एंड भाई, जो कि ऑब्वियसली सेम ही है, कुछ चेंजेस नहीं है भाई, क्योंकि जावा का यह पूरा सिस्टम ये बनाया इन्होंने। एक काम करते इसको तोड़ते हैं, आप क्या सीन लेगा तू, ये इसको भी तोड़ो। क्या कर रहा हूँ, हाँ भाई मेरे से बड़े पंगे लेता था तो पहले ये ले। और ये रही यहाँ की एंड सिटी, सही एंड सिटी, नॉट बैड। ये एंड सिटी इतनी सी है क्या ये, अच्छा इतनी सी है, लोहल बड़ी छोटी है यार ये तो, सही में ये तो एंड ही है भाई, बस सिटी कुछ नहीं है इधर। बढ़िया गेम है वैसे, नॉट बैड। अब ट्राई करते क्राफ्ट्समैन 1.21। ओके क्राफ्ट्समैन क्राफ्टिंग फॉर बिल्डिंग, अच्छा स्टार्ट करो। एक ऐसा सिस्टम है भाई, आई थिंक अंदर से बहुत खतरनाक हो जाएगी क्योंकि बाहर से ऐसी है तो, या फिर अंदर से और बेकार हो, पता नहीं भाई। तो ये रही क्राफ्ट्समैन भाई, क्या बात है, इसका बैकग्राउंड कितना मस्त लग रहा है। नहीं भाई साइन इन क्यों करवाते हो बार बार, अरे भाई बैकग्राउंड मस्त है, ये क्या हो गया अंदर से भाई। उम्मीद बहुत थी मुझे जैसे बैकग्राउंड था इसका, लेकिन जैसे मैंने इसकी यूआई देखी, छोड़ो भाई बोलना नहीं मुझे कुछ। रिसोर्स पैक्स में ओके इनका ये है अपना, बाकी कुछ भी नहीं है भाई इसमें तो, खोखली अंदर से। स्किन चेंज स्किन तो करूं, लेकिन मैं हूं कहां पे भाई, तो ये हूं मैं आई थिंक, नहीं मैं हूं ही नहीं भाई इधर, ये देखो पता नहीं क्या ग्लिच है। एक काम करते हैं सीधा वर्ल्ड बनाते हैं, सर्विसेज में है दो लोकल, छोड़ो इनको सीधा वर्ल्ड इसको। अरे क्या बात है, ये वाली यूआई इसकी बढ़िया है, मतलब नई वाली, इसको सीधा करते क्रिएट। ओके तो गेम हो चुकी है लोड, और बढ़िया भाई इसका कंट्रोल्स के, ये जो कलरिंग और ये है भाई। और क्या क्या भाई इसमें चेंजेस, कुछ भी नहीं भाई, वही सब है। और मैं अभी भी नहीं हूँ यहाँ पे भाई, यहाँ पे होते हैं ना शायद करेक्टर, हाँ नहीं हूँ भाई, यहीं पे देख लेते हैं। अरे भाई मैं तो यहाँ तक नहीं हूँ। अरे भाई क्या सीन है ये, एक काम कर दो थर्ड पर्सन में जाकर देख दो, क्या पता हूँ मैं। देखो मैं अभी थर्ड पर्सन में हूँ, फ्रंट में क्या सीन है भाई, मैं तो हुई नहीं लिटरली करेक्टर नहीं इस गेम में। ओके तो ये रही यहाँ की विलेज, जो कि अभी लोड नहीं हुई, बहुत स्लो है भाई गेम। और इसके ग्राफिक्स तो थोड़े से चेंजेस है, देख सकते हो हल्के से, नहीं हल्के से नहीं ज्यादा चेंजेस है, टेक्सचर्स इनके खुद के हैं। और ये देखो शीप, ये तो सेम ही भाई, बाकी स्मूथनेस है भाई इनमें बस। हाँ भाई विलेजर तू अपनी शक्ल तो दिखा, हाँ दिखाई ना, मारने के बाद दिखाते शक्ल अपनी, देखो अब अच्छे से दिखा रहे हैं, भाग का रहा है इधर। अरे तू यहाँ का चढ़ा हुआ है घर की छत पे, मरम्मत कर रहा है क्या, अभी तू तो फार्मर है लेकिन क्या मरम्मत कर रहा है भाई। इनको छोड़ते हैं, आयरन कॉलम को पेलते हैं। देखो ये रही इसकी इन्वेंटरी, जो कि ओके टेक्सचर इसके अलग है, अरे बहुत अलग है भाई, थोड़े से नहीं है पूरे ही अलग है, ये तो बढ़िया लग रहे हैं वैसे। एक काम करते हैं यहाँ से लेते ऑब्सीडियन, आई ऑफेंडर। ये रहा इसका नेदर, क्या बात है। और ये मैं स्पॉन हुआ आई थिंक बाशन बायोम में, नहीं ये तो स्ट्रक्चर है शायद उनका। हाँ ये रही पिगलिन, हाँ भाई है कैसा भाई, इनको हॉगलिन कहते हैं पिगलिन कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं। देखो बाकी तो सेम ही है, यहाँ देख सकते हो आप
बायोम में ही होगी आसपास उस साइड तरफ। ओके यहाँ पे पूरी बाशन बायोम में, क्या बात है, मतलब सेम है भाई नदर, कुछ चेंजेस नहीं है। A few moments later. क्या बात है भाई, इस वाली गेम में स्ट्रॉन्ग होल्ड विलेज के नीचे है, होता होगा यार ये मे भी मेरे हिसाब से, ये पॉकेट एडिशन इन सब में। अरे स्ट्रॉन्ग होल्ड है कहाँ पे भाई, लेकिन क्या बात है भाई पूरी केव के नीचे है। अब इसको करते एक्टिवेट, इसके टेक्सचर भी मस्त है वैसे, देख सकते हो चेंजेस तो है मतलब इनके टेक्सचर्स में। तो ये रहा एंड, क्या बात है ये लोड बहुत लेट हो रहा है भाई पता नहीं क्यों। तो ये रहा इसका अंडर ड्रैगन जो कि भाई बीच बीच में से निकल रहा है, जादुई जादू करता है भाई मेरे सामने वो भी काला। चलो इसको छोड़ो भाई। और ये रही इसकी एंड सिटी, क्या बात है ये वाली। ओके ये थोड़ी सी बड़ी है, वो वाली तो पता नहीं क्या थी, आधी सी थी भाई, वो आधी भी नहीं थी, बस यही स्ट्रक्चर था उसमें, पता नहीं भाई क्या था वो। ये थोड़ी सी एंड सी है, ये एंड सिटी नहीं एंड सी है, मतलब समझ रहे हो ना क्या कहना चाहता हूँ, समझ जाएगा यार। वैसे गेम बढ़िया है ये टेक्सचर के खुद के। अब ट्राई करते हैं लोकी क्राफ्ट फाइनल, भाई लोकी क्राफ्ट के लिटरली बहुत सारे वो है। अरे सीधा ये क्या आ गया भाई, डर गया मैं, यहाँ से लोड हो रही है या क्या हो रहा है ये गेम। ओके लोड हो रही थी, किंग क्राफ्ट है ये, कहाँ से आ गया भाई, डाउनलोड तो मैंने लोकी क्राफ्ट, जब मस्त लग रहा है बैकग्राउंड इसका, क्या बात है भाई मुझे लग रहा है कुछ अच्छी हो सकती है ये। ओके लोकी क्राफ्ट एक्स, भाई बाहर लोकी क्राफ्ट फाइनल, बीच रस्ते में किंग क्राफ्ट और यहाँ से लोकी क्राफ्ट एक्स हो गई। भाई इतने सारे नाम है और नाम से, अरे ये क्या चीज है भाई, ये मैं हूँ, इसके तो सिर्फ आंखें हैं भाई, क्या सीन है भाई इनका। एलेक्स को रखते हैं भाई, रीलोड रहने दो, हाँ आ गया ना मैं, वो पता नहीं क्या था। तो इसकी सेटिंग्स में वही नॉर्मल होगी मेरे को लगता है, हाँ कुछ भी नहीं है भाई। रिसोर्स पैक में लोकी क्राफ्ट एक्स, ओके प्ले करते सीधा। सर्वर्स इसमें होने चाहिए, हाँ है भाई बिल्कुल है, देख सकते हो सब है यहाँ, फ्रेंड्स तो बनाए नहीं मैंने तो अकेला वही बन जाओ। यहाँ पे वर्ल्ड करते क्रिएट, क्रिएटिव ले ये पुराना वाला है भाई वर्ल्ड बुक जनरेशन, बाहर किंग स्टोरी लिखा था यहाँ पे, पता नहीं क्या सीन है भाई। तो ये रही भाई अंदर से गेम जो कि ओ भाई मस्त लग रही है। ये बायोम कौन सी है, जंगल बायोम है शायद, बैम्बू वाली। इसके ग्राफिक्स देखे तो ठीक है, नॉट बैड, थोड़े इन्होंने चेंजेस किए हैं, देखो पुरानी गेम जैसे ही है। ये रही इधर विलेज, और ये क्या चीज है, अरे मैमथ तू क्या कर रहा है भाई यहाँ पे। भाई मैमथ ही नहीं यहाँ पे और भी बहुत जानवर है, ये देखो एक और है, ये हाथी आई थिंक, व्हाइट कलर के मैमथ भी होते हैं क्या पता नहीं। अरे वहाँ पे देखो यहाँ पे तो पूरा हिरण है भाई, नहीं ये हिरण नहीं है, क्या चीज है ये, कुछ हो रहा है पता नहीं क्या है, बारह सिंह है शायद। बहुत सारे नए जानवर है भाई, क्या बात है। और इसकी इन्वेंटरी भी मस्त है भाई, वही टेक्सचर थोड़े से स्मूथ है, बाकी तो भाई सेम ही है सब, देख सकते हो बढ़िया है नॉट। अरे ये दोनों फिर से यहाँ भी, अरे भाई कर दी ना वही सस्ती वाली बात। हम लेते हैं यहाँ पे फ्लिंट एंड स्टील ऑब्सीडियन, चलो ये आ चुका हूँ मैं इसके नेदर में, क्या बात है भाई ये तो बिल्कुल सेम है, वही थोड़े बहुत टेक्सचर में फर्क होगा बस, हल्का सा ज्यादा नहीं। ये देखो ये रे हॉग्स, क्या बात है, क्रिम्सन बॉय में स्पॉन हुआ और मैं, देखो सब सही है यहाँ पे, क्या ही चेक करे। और तो एक काम करते हैं चलते हैं वापस। वैसे इसके ग्राफिक्स बढ़िया है यहाँ पे, आप देख सकते हो बादल कितने मस्त लग रहे हैं, सही लग रहे हैं, नॉट बैड। स्काई भी देखो भाई, और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होल्ड भाई विलेज के नीचे ही है, क्या बात है, पता नहीं क्या सीन है भाई इसका। ये रहा इसका एंड, और कहां है भाई ड्रैगन। ओके ये रहा ड्रैगन, उड़ता ही रहता है भाई दिन भर, आराम नहीं करता क्या ये भाई, ये पूरी गेम ही क्रैश होगी भाई पता नहीं कैसे। एंड सिटी वैसे सेम ही होगी, क्या ही चेंजेस होंगे। अब एक काम करते हैं खेलते हैं क्राउड्स मैन लैपटॉप, चलो भाई। ओके तो ये गेम हो चुकी स्टार्ट, और इसके ग्राफिक्स, अरे ओके ये भी जावा क्राफ्ट जैसी है, मतलब पहली फर्स्ट गेम जो थी। अरे ये अचानक से कहां से आ गया, अरे ये पीछे, अरे भाई क्या हो रही है, लोडिंग एड भाई, लगातार चार एड्स देख ली मैंने, ये पांचवी चल रही है, कितना पैसा कमाएंगे भाई मेरे जरिए ये। किंग स्टूडियो पिछली वाली गेम में जो किंग स्टूडियो की थी मेरे हिसाब से यार, पता नहीं देखो इसका बैकग्राउंड ये बढ़िया है, पर इसके बाद अचानक से वो पॉपअप आ गया था। ग्राफिक्स मेरे हिसाब से अच्छे होने वाले इसके अगर ऐसा ही होगा तो। ओके ये आ गया जावा क्राफ्ट, वही सब होगा जो सबसे पहली वाली गेम में था लोकी क्राफ्ट जावा में, आप देख सकते हो। अरे भाई इतनी सारी एड्स, मैं एक सेकंड भाई मैं वाईफाई को डिस्कनेक्ट कर देता हूँ, अब देखते हैं भाई कैसे दिखाते एड्स मुझे ये। भाई सीरियसली इतनी सारी एड्स, गेम भी नहीं चल रही सीधा एड आ जा रही है, लो भाई अब तो क्रैश ही हो गई लॉल। तो मैंने जैसे वाईफाई डिस्कनेक्ट किया वैसे गेम ही क्रैश होने लग पड़ी, मैं भी इसको इंटरनेट चाहिए भाई। चलो भाई अब मैंने वाईफाई लगा दिया, अब ट्राई करते हैं, अब तो चल पड़नी चाहिए, ऑब्वियसली चलेगी भाई। ये देखो ऑब्वियसली भाई को पैसा कमाना और कुछ नहीं करना है भाई, एक बार गेम के अंदर तो जाने दो यार, बेशक एड्स दिखा लो बट जाने तो दो। चलो सीधा प्ले करते हैं भाई, बाकी हम गेम के अंदर देख लेंगे। ड्रैगन्स मेडिवल, अच्छा ये कैसा वर्ल्ड है भाई, जो इसको एडिट करते हैं इसको, लो भाई फिर से एड आ गए। चीट ऑन करके जल्दी से इसको करते हैं भाई प्ले। ओके ये बैकग्राउंड बढ़िया भाई, मजा आ गया देख के। चलो इसको जल्दी से ये सिलेक्ट करो भाई, से पहले आ जाए जल्दी जल्दी खेल लेते हैं। मेरे ख्याल से गेम ही क्रैश हो गई, पता नहीं क्या गेम थी भाई ये, क्राफ्ट्समैन लैपटॉप बहुत बेकार गेम थी, मैं तो बिल्कुल नहीं खेल रहा इसको। तो सबसे पहले हम ट्राई करेंगे आइलैंड क्राफ्टिंग एंड बिल्डिंग। ओके अरे भाई ये तो मूड ही खराब कर दिया इसने मेरा पूरा यार, ये क्या है सीरियसली, मोर में कुछ भी नहीं है। प्ले करते सीधा, अरे ये क्या हुआ, सीधा वर्ल्ड ही बना दिया इन्होंने, और ये कैसे कंट्रोल सा भाई इतने जीप से, ये क्या हुआ बंदे को भाई, ये योगा कर रहा है क्या। अरे भाई भाई ये क्या है भाई, क्या गेम है ये सीरियसली, छी यार मूड खराब हो गया पूरा मेरा तो। इसका लोगो मस्त है लेकिन अंदर से क्या निकली भाई, ये सही में भाई क्या है ये क्या चीज है। अच्छा ये जंप के लिए है, और ये अच्छा ब्लॉक्स प्लेस करने के लिए, और ये तोड़ने के लिए होगा फिर। हाँ और ये क्या है, अच्छा इन्वेंटरी है, बस यही है इन्वेंटरी मेरी। ये भाई क्या गेम है ये सीरियसली, भाई गेम तो चल भी नहीं रही है, अब क्या हो गया ये।
छी भाई, सीरियसली मूड खराब हो गया मेरा। चलो भाई यहाँ से, क्या थी भाई ये गेम सही में भाई। अब हम ट्राई करते हैं माइनक्राफ्ट को, देखते हैं भाई ये कैसी होती है। ये मुझे बढ़िया लग रही है, एग्रीमेंट वगैरह साइन करवा रहे भाई ये। ओहो क्या बात है, नई वाली लोडिंग और बैकग्राउंड बढ़िया भाई, थोड़ा सा ब्लर है बट ठीक है, नॉट बैड। वेलकम टू माइनक्राफ्ट मास्टर एडिशन। अच्छा मास्टर एडिशन है ये। सेटिंग्स देखे इसकी तो कुछ भी नहीं है। अब करते प्ले। ओके तो ये नॉर्मल पॉकेट एडिशन टाइप है और इसमें सर्वर्स भी है, क्या बात है, सही है भाई, सर्वर्स होने चाहिए। क्रिएट करते वर्ल्ड को, माय वर्ल्ड ये रहने देते नाम, सर्वाइवल से करते क्रिएटिव। बाकी क्या इसमें कुछ भी नहीं है भाई, बस यही तो ऑप्शन होते हैं क्या, नहीं होते तो और भी है पता नहीं भाई। चलो क्रिएट करो और इसको नॉर्मल रखते भाई क्योंकि मैं हूँ पीसी में। तो ये रही गेम और भाई बिल्कुल माइनक्राफ्ट लग रही है ये, देखो बिल्कुल सेम टेक्सचर्स है, कुछ चेंजेस नहीं है, क्या बात है भाई साहब। ओके आसमान में इसके बादल अच्छे हैं बट क्यों अच्छे भाई। तो ये रहे यहाँ की विलेज और विलेजर भी सेम है भाई। और आयरन गोलम क्या चाल है तेरे, किसी काम का नहीं होता भाई सीरियसली देखा जाए तो। हाँ भाई बिल्ली तू क्या कर रही है यहाँ पे, वो तो भाई बच्चे का नहीं, तू यहाँ से भाग के दिखा दे बस, मान जाऊंगा मैं। एक बार भाग के दिखा दे मजा आ जाएगा फिर मेरे को भी। नहीं भाग, अरे नहीं भाग पाया, मार ही दिया मैंने। अबे साले हम देखते इसकी इन्वेंटरी, और इन्वेंटरी कूल है भाई थोड़ी सी, मतलब ये जो इसके पीछे ग्राफिक्स हैं, आई मीन ग्राफिक्स नहीं कलरिंग है, बढ़िया है। बाकी टेक्सचर तो भाई वही माइनक्राफ्ट के सेम देख सकते हो आप, क्या ही चेंजेस है इसमें, दिखाने को भी कुछ नहीं। और एक काम करते हैं, अब लेते हैं यहाँ से ऑब्सीडियन आई ऑफ एंडर और यहाँ पे बनाते हैं एक पोर्टल। ये रहा इसका नेदर, क्या बात है, ये तो बिल्कुल सेम है भाई क्योंकि ओवरवर्ल्ड ही सेम है तो नेदर तो होता ही है सेम सब गेम्स का। और भाई क्या बात है, ये मैं स्पॉन हुआ सोल सैंड वैली में। हाँ भाई गास्ट क्या चल तेरे, ये ले ये ले ये ले, रोता रहता ना ऐसे तो दिन भर, अब रो के दिखा, मैं बताऊ तेरे को फिर, ये ले, अरे पुठाई हो गया ये तो। हाँ भाई स्केलेटन्स बहुत मारेंगे मुझे भाई, गलती से सर्वाइवल में आ गया मैं तो। भाई नेदर में वैसे दिखाने के लिए और कुछ है नहीं तो चलते हैं एंड में। अब तो मुझे अभी पता चला है जिस विलेज में मैं आया था इसी के नीचे स्ट्रॉन्ग होल्ड, तो जरा नीचे चल के देखते हैं। और कहाँ पे भाई, वो रहा आई थिंक, हाँ ये तो रहा, क्या बात है भाई, अरे इतना सा ही है क्या ये, बाकी का कहाँ है। और वो रहा हमारा पोर्टल, चलो जल्दी वहाँ पे, अब इसको करते हैं एक्टिवेट। चलो भाई ओके तो ये रहा, अरे अभी अभी एंडरमैन ने सुसाइड की क्या। और भाई एंडर ड्रैगन कमजोर लग रहा है बड़ा, खाता पीता नहीं है क्या आजकल ऐसे माइनक्राफ्ट लोग खेल में दे रहे, तेरे पास आता ही नहीं होगा कोई, खाता किसको होगा फिर। सही है भाई एंड भी सेम है, क्या चेंजेस होंगे। अब चलते एंड सिटी। ओके तो ये रही हमारी एंड सिटी और वो रही बोट, क्या बात है, एंड सिटी भी सेम है बड़ी छोटी है, लेकिन ये भी एंड ही है भाई, सिटी नहीं है, बढ़िया भाई क्या बात है, अच्छी गेम है बिल्कुल, डिट्टो कॉपी है ये तो भाई, कंट्रोल्स तक सेम है इसके मैंने अभी देखे। अब ट्राई करते हैं क्राफ्ट्समैन बिल्डिंग को, एनेबल चाइल्ड मोड, अच्छा ऐसा भी मोड है कोई, स्टार्ट करो चाइल्ड कंट्रोल मोड इज एडेड टू लिमिट सर्टेन, अच्छा पिन डालना पड़ेगा मुझे, ये कौन सा फीचर है भाई इसका, इसमें ऐसा क्या अंदर गेम है भाई जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑन की हुई है इन्होंने। अरे भाई ये क्या हो गया भाई, पीसी हैक तो नहीं हो रहा है, बचा लो प्लीज। ओके तो ये गेम हो चुकी है स्टार्ट, पता नहीं वो बीच में ग्रीन स्क्रीन के आगे थी भाई। ओके क्राफ्ट्समैन बिल्ड, तो इसकी सेटिंग्स देखा जाए तो ग्लोबल रिसोर्सेज में क्राफ्ट्समैन का ही है। ओके मैं गेम का नाम पता नहीं क्या था, यही था क्या, पता नहीं भूल गया भाई मैं तो। बाकी इसमें सर्वर्स होने चाहिए, हाँ बिल्कुल है भाई, आजकल तो सभी गेम्स में हो रहे हैं। अब करते सीधा वर्ल्ड को क्रिएट, क्रिएटिव करो, अरे इसकी वैसे कलरिंग अच्छी है, ये पीच कलर जो इन्होंने सेलेक्ट किया हुआ है बढ़िया भाई, और ये बिल्कुल माइनक्राफ्ट 1.21 जैसा है। सीधा क्रिएट करो भाई और क्या ही करेंगे, इसको नॉर्मल रखते हैं। ओके तो ये रही गेम और इसके कंट्रोल्स, छी यार मजा नहीं आया। अरे और क्या एक्सपेक्ट करूं मैं, और वैसे ग्राफिक्स के बढ़िया है माइनक्राफ्ट से तो बढ़िया भाई, ये देख सकते हो इसके टेक्सचर्स तो थोड़े से स्मूथ और रियलिस्टिक है, थोड़े से ज्यादा नहीं, बाकी ग्राफ देखो क्या मस्त लग रहा है भाई। हाँ भाई लामा क्या चाल, वैसे इस गेम में भी एड्स बहुत है, फर्स्ट वाली गेम में एड्स नहीं आई, वैसे वो गेम ही नहीं थी भाई, पता नहीं क्या था ऐड क्या ही आती। एनीवेज भाई यहाँ पे चलते हम सीधा विलेज में, ये रही इस गेम की विलेज, अच्छी खासी बड़ी विलेज है यार, मैंने काफी टाइम से इतनी बड़ी विलेज देखी नहीं है। हाँ भाई आयरन गोलम तू तो मस्त लग रहा है भाई, चिकना एकदम। एक सेकंड भाई काम निपटा ले, अरे तुम दोनों पानी में क्या देख रहे हो, मछली है क्या वहाँ पे, चलो देखते हम भी भाई, भाई कोई भी तो नहीं यहाँ पे, दोनों साथ में देख रहे हैं भाई, तुम देख क्या रहे हो भाई सही में, छोड़ो भाई इनको हम काम निपटा के आते अपना मेन वाला। एक सेकंड आइए ले, अरे क्या भागा वो, एक सेकंड में गायब हो गया, अरे ये रहा बड़ा फ्लैश हो रहा है भाई तू तो। एनीवेज गाइस इसको छोड़ते हम, देखते हैं इन्वेंटरी, और इन्वेंटरी ओके बढ़िया, टेक्सचर्स ओके टेक्सचर्स लगे भाई, अरे ये दोनों क्यों छोड़ दिए दोनों, बाकी सब सेम रखा था तो क्या करते हो यार, अरे यहाँ पे तो अरे भाई यहाँ लेते इसको और एलिट्रा और अरे टोटम कार्टून लग रहा है एकदम। हम लेते हैं ऑब्सीडियन आई ऑफ एंडर्स और यहाँ पे बनाते हैं पोर्टल। वैसे मैंने इतनी गेम्स खेल लिया, अब मुझे पीसी में खेलने में आसानी हो रही है, पहले स्टार्टिंग में नहीं हो रही थी, पोर्टल भी नहीं बनता था भाई मेरे से तब तो। चलो भाई ओके ये रहा इसका नेदर और नेदर सेम है, टेक्सचर्स आई थिंक थोड़े से अलग होंगे, हाँ थोड़े से अलग है देख सकते हो, नेदर एक अजीब है थोड़ा, स्मूथ कर दिए वही बात है, बाकी बायोम इसमें ओके, ये बायशन बायोम है सामने, गास्ट भी है यहाँ पे और पिगलिन भी है, होगलिन भी है, सब है भाई। अरे गास्ट तू अचानक से कहाँ से आए हैं, निकल यहाँ से जल्दी भाग जाओ बहुत मारूंगा। चलो भाई
वापस चलते हैं एंड में। ओके तो चलो भाई नीचे हमारा स्ट्रॉन्ग होल्ड है और वो रहा। और ये क्या बात है, होटल भी सामने मिल गया। और देखो टेक्सचर्स मस्त लग रहे हैं इसके। ये देखो स्टोन ब्रिक्स को, क्या बात है भाई। अब इसको करते एक्टिवेट। चलो भाई अब देखते हैं भाई एंड में क्या चेंजेस है। पता चला पूरा अंडर ड्रैगन ही चेंज हो गया। नहीं अंडर ड्रैगन सेम है। हाँ भाई अंडर ड्रैगन, ये ले भाई तेरा, ये तोड़ देता हूँ। हील कैसे करेगा, ये भी तोड़ देता हूँ। ये वाले भी गया, इसको भी तोड़ देता हूँ। हाँ भाई अंडर ड्रैगन पंगे बड़े लेता है वैसे तो मेरे से। ये ले दो तीन मुक्के खा रहे, भाग गया डर के भाई। देखो खौफ होना चाहिए। अच्छा अब चलते हैं एंड सिटी में। ये रही एंड सिटी, क्या बात है भाई। रो रही बोट। ओके ये वाली थोड़ी बड़ी है, क्या बात। पिछली वाली तो भाई छोटी सी थी नहीं भाई शायद, पता नहीं भाई। भाई ये अच्छी खासी बड़ी है भाई, क्या बात है। लूट अच्छी होगी मतलब, इधर बढ़िया गेम है, ये भी खेल सकते हो। अब ट्राई करते हैं क्राफ्ट्समैन को। आई होप भाई ये बढ़िया निकले। क्राफ्ट्समैन क्राफ्टिंग बिल्डिंग, स्टार्ट करो गेम को। अरे स्टार्ट हो जा भाई, क्या कर दिया। स्टार्ट हो ही नहीं रही भाई गेम, इतना टाइम लग रहा है। A few moments later. तो इसकी जगह मैं खेलने वाला मास्टर क्राफ्ट क्राफ्ट्समैन क्राफ्टिंग। अरे भाई बैकग्राउंड क्या मस्त है यार इसका। वेलकम टू मास्टर क्राफ्ट। ओके अरे सही में ग्राफ्ट शेडर्स अच्छे लगे हुए इसमें, बट ये बैकग्राउंड ही होगा क्योंकि गेम में थोड़ी लगे होंगे। तो इसके सेटिंग्स देखे। ओके ग्लोबल रिसोर्सेज में मास्टर क्राफ्ट का लगा है। प्ले करते हैं, इसमें सर्वर्स है। ओके है, क्या बात है, बढ़िया गेम लग रही है मुझे अंदर से। ये पता नहीं ऐसी फील आ रही है, आई होप बढ़िया निकले। वैसे अभी तक मैंने जितनी भी गेम्स खेली है उन सब में इतनी एड्स नहीं है, एक दो आई थी। तो ये रही गेम भाई, और क्या बात है, ये तो बिल्कुल माइनक्राफ्ट है यार। सेम है इसका टेक्सचर्स देखो भाई, और इसके कंट्रोल्स भी सेम है एकदम। मुझे लग ही नहीं रहा मैं भाई ये खेल रहा हूँ, क्या खेल रहा हूँ वैसे मैं। इसकी इन्वेंटरी देखे तो ओके, मतलब पीछे ग्रीन कर दिए, बाकी सब सेम है, क्या बात है भाई। तो यहाँ पे सबसे पहले लेते हैं फ्लिंट एंड स्टील, क्योंकि विलेज तो भाई सेम ही होगी, क्या ही चाहिए विलेज में। और लेते हैं यहाँ से ऑब्सीडियन और आई ऑफ एंडर, और यहीं पे बना लेते हैं एक पोर्टल को। वैसे इसका ग्राफिक्स थोड़े से ब्लर है ध्यान से देखे तो, बट है माइनक्राफ्ट जैसे ही। और ये गेम थोड़ी बहुत लैग कर रही है भाई, आपने अगर नोटिस किया हो तो। ये पोर्टल मैंने बनाया तो है, कुछ तो बनाया भाई, पता नहीं भाई कैसे बन गया ये। और ये रहा इसका नेदर, और नेदर तो सेम ही है भाई। और भाई हॉग तू कैसा है, निकल नीचे चले यहाँ से, एक सेकंड। आप गया ना लावा में जाके मर सीधा। ओके नेदर में क्या ही चेंजेस है, सब सेम है। देखो ये रही बायोम, वही है, टेक्सचर भी सेम है। तो चलते हैं वापस। तो ये रही इस वर्ल्ड की विलेज, जो की आप देख सकते हो। और ये गेम बहुत स्लो है, देख सकते हो भाई अभी तक कुछ लोड भी नहीं हुआ। अरे भाई डरा दिया मुझे साइड ने, देख सकते हो भाई। आयरन गोलम भी वैसा ही है, मतलब ग्राफिक्स इसके है माइनक्राफ्ट के, लेकिन थोड़े डाउन है। सही है भाई विलेज भी, क्या बात है। अब चलते हैं नीचे, हमारा पोर्टल कहाँ है भाई। ये देखो ये रहा स्टोन गोल्ड, आई थिंक वो रहा सामने, हाँ वो रहा। अब इसको करते हैं एक्टिवेट। चलो भाई ये रहा हमारा एंड, क्या बात है। और एंडर ड्रैगन कहाँ है तू। हाँ भाई एंडर ड्रैगन नीचे तो, एक बार कुछ बात करनी है मैंने जरूरी, एक बार आ जाओ बस। इसका वो कहाँ है, ये रहा। अरे आ गया, क्या बात है, अच्छा यार तू अच्छा बच्चा। ये ले हैच मुक्के खा। बाकी सेम है भाई, कुछ चेंजेस नहीं एंड में भी। और भाई ये रही इस गेम की एंड सिटी, और एंड सिटी ओके ऊपर हो रहा है। सही है भाई, ये बड़ी अजीब सी है, लेकिन ये यहाँ से सीधी फिर यहाँ, पता नहीं भाई शायद ऐसी होती है। अच्छी खासी बड़ी है ये, नॉट बैड भाई। और शिप नहीं है क्या इधर, बढ़िया गेम थी भाई एकदम माइनक्राफ्ट जैसी। अब वर्ल्ड, और भाई ये क्या है भाई, मूड खराब हो गया मेरा सही में। ये बैकग्राउंड क्या है भाई, अरे 100 मिलियन डाउनलोड वाली गेम है भाई, क्या सीन है भाई इसका। भाई इसकी सेटिंग्स तो बड़ी अजीब सी है, पता नहीं क्या है भाई। प्ले करते सीधा, न्यू करते, आई होप भाई अंदर से अच्छी हो ये क्रिएट वर्ल्ड, लगता नहीं भाई वैसे मुझे। और मैं आ चुका हूँ ये गेम में, और इसके ग्राफिक्स तो भाई भाई सस्ते वाले हैं। इतने डाउनलोड्स मिले कैसे इस गेम को, क्या सीन है भाई इसका। लोल भाई इस गेम में तो कमांड्स नहीं दे सकता मैं, पता नहीं क्या सीन है। एक काम करते हैं इसकी इन्वेंटरी देखते हैं। ओके इन्वेंटरी इसकी थोड़ी सी पुरानी माइनक्राफ्ट जैसी है, पहले के टाइम पे माइनक्राफ्ट की इन्वेंटरी कुछ ऐसी रही यूआई उसकी, जैसे अभी देख सकते हो ये, या फिर मैं भूल चुका हूँ क्योंकि मैंने खेली इतनी सारी क्लोन गेम्स है भाई, पता नहीं भाई। बाकी यहाँ पे इसके ये सब है। ओके इन्वेंटरी तो वैसे ग्राफिक्स के सेम है, माइनक्राफ्ट थोड़ी पुरानी वाली लग रही है, देख सकते हो 1.12 वाली। तो ये 1.12 वाले ग्राफिक्स है इसके, मतलब ये पुरानी कॉपी होगी, लेटेस्ट नहीं है ये। वैसे मुझे लगता नहीं है इसमें एंड होने वाला है, क्योंकि मुझे ना वैसे तो मुझे लगता है इसमें एंड होगा, लेकिन ट्राई कर लेंगे अगर आईओ फेंडर मिलती है तो। भाई इसमें भाई बहुत ज्यादा एड्स है, लिटरली बहुत ज्यादा। हाँ तो इस गेम में आईओ फेंडर नहीं है, एंड क्रिस्टल एंड पोर्टल फ्रेम है, लेकिन आईओ फेंडर नहीं है, तो आई थिंक इसमें एंड नहीं होगा। तो नेदर ट्राई करके देखते हैं, मेरे हिसाब से नेदर तो होगा ही भाई, आजकल तो हर गेम में मिल रहा है। ओके तो नेदर है इसमें, और अरे भाई मूड खराब हो गया, तो इधर आते ही मेरा क्या भाई, ये कैसा नेदर है ये बेकार सा, ये मतलब वही पुराना वाला हो गया भाई, 1.12-14 वाला, 1.16 के पहले वाला नेदर है ये भाई साहब, मूड खराब हो गया एकदम, मजा नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया भाई। भाई मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा इस गेम को 100 मिलियन डाउनलोड मिले कैसे है। अब ट्राई करते हैं रियलम क्राफ्ट को। तो ये रही हमारी रियलम क्राफ्ट, और ऑन, अरे ऑन होते बिल्डिंग वर्ल्ड, कैंसिल करो भाई इसको, हमको बाहर से गेम दे। अरे भाई अंदर पहुंच गया मैं, होम में चलते हैं, यहाँ से क्लिक करके जा सकते हैं, मेन मेन्यू में चलते हैं एक बार। ओके तो यहाँ से, अरे भाई मजेदार गेम लग रही है यहाँ से तो ये। ओके यहाँ पे इसकी कुछ सेटिंग्स है, इसको रहन दो। और ओके शॉप डेली स्किन इन्फॉर्मेशन फ्री कॉइन्स, ज्यादा कुछ नहीं है, सिंगल प्लेयर करते हैं, सर्वाइवल वर्ल्ड क्रिएटिव, तो ये ऑलरेडी मेरा वर्ल्ड बना हुआ है, प्ले करते हैं। ये रही गेम अंदर से, और भाई बड़ी अजीब है यार इसके ग्राफिक्स तो, चलो माइनक्राफ्ट जैसे ही आप देख सकते हो, बट इसकी जो यूआई है कंट्रोल्स है वो थोड़े अजीब लग रहे हैं। क्या इसमें कमांड्स है, लगता तो है
भाई? भाई यहाँ पे कमांड्स तो है लेकिन मैं खुद को टेलीपोर्ट नहीं कर पा रहा, पता नहीं क्यों। तो टेलीपोर्ट तो मैं खुद को कर नहीं पा रहा, बट विलेज कौन जाएगा भाई अब इतनी दूर। एक काम करते हैं यहीं पे इसकी इन्वेंटरी देखते हैं। और अरे ये कैसे इन्वेंटरी भाई, इसके ग्राफिक्स मस्त है, देखो वीट को एक बार, क्या बात है भाई, मस्त ग्राफिक्स है, नॉट बैड। ये क्या चीज है, कुछ तो है भाई लेकिन पता नहीं किसके टीयर है भाई, ये कोई मॉब होगा, ये स्लाइम बॉल है, बॉल तो लग नहीं रही किसी बैंगल से। ये लैपिस होगा, हाँ बिल्कुल है भाई। ये क्या है भाई, कोकोआ बीन्स, ब्रिक नेदर ब्रिक, अच्छा थोड़ी रियलिस्टिक बना दी है गेम, क्या बात है यार, मजेदार है। ये देखो आयो फेंडर क्या मस्त लग रही है, और इसकी इन्वेंटरी और तो भाई मजेदार है यार बिल्कुल, सबकी सब टूल्स देखो एक बार क्या, और शेयर्स देखो भाई मस्त लग रहा है। काम करते हैं सबसे पहले यहाँ पे बनाते हैं एक, अरे ये पानी में हो क्या मैं अभी, ये कैसा पानी भाई जो दिख नहीं रहा, अरे भाई बड़ा अजीब है, यहाँ पे बनाते हैं, मुझे लगता नहीं वैसे इसमें होगा। और इसके एनिमेशन देखो एक बार, ओ भाई क्या बात है, अरे भाई क्या बात है, ब्लॉक टूटने वाली भी देखो एक बार, ओहो खतरनाक एनिमेशन है भाई, वही थोड़ी रियलिस्टिक करने की कोशिश की है ये, बढ़िया गेम होगी अगर इसमें एंड और नेदर भी होगा, बट लगता नहीं मुझे वैसे तो। ओके नेदर तो है भाई, क्या बात है, ये तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था भाई बिल्कुल भी। और इसका नेदर, अरे भाई एकदम माइनक्राफ्ट जैसा है, क्या बात है भाई, देखो इसका ये बायसन बायोम में नेदर है, और ये सारे भाई क्या बात है, मतलब ये तो सेम है भाई, इसमें कोई शक नहीं है। अब देखते हैं भाई इसमें एंड है या फिर नहीं है, बढ़िया था वैसे नेदर यार, कोई उसमें वो नहीं था। अब एंड पोर्टल बना के देखते हैं भाई अगर बनता है तो। भाई पोर्टल तो मैंने बना दिया लेकिन एक्टिवेट नहीं हुई है, मे बी है नहीं इसमें, पता नहीं यार ऐसी गेम होता तो नहीं है, क्या बता भाई, इससे अच्छा अगली गेम खेलते हैं। हमारी अगली गेम है क्राफ्ट अर्थ, वो क्राफ्ट वर्ल्ड ही है, क्राफ्ट अर्थ है, क्या बात है भाई, भाई वैसे ही ना निकले बस। तो ये रही गेम की लोडिंग, क्राफ्ट अर्थ क्या बात, और ये रही गेम कुछ भी नहीं है भाई इसमें, प्ले और सेटिंग्स है बस, सेटिंग्स तो वही नॉर्मल वाली होगी जैसी होती है, कुछ भी नहीं है और भाई क्या बात है। प्ले करते हैं सीधा, इसमें सर्वर्स भी नहीं है, फ्रेंड्स भी नहीं है भाई मेरे। क्रिएटिव करते हैं क्रिएट वर्ल्ड, मतलब ये पुरानी माइनक्राफ्ट जैसा लग रहा है मुझे सीन इसका। ओके तो ये आ चुका हूँ मैं गेम में, और इसके ग्राफिक्स तो भाई थोड़े से भाई दुनिया भर की यार सिखा रही मुझे। वैसे इसके ग्राफिक्स पे थे ना, देखो ग्राफ तो बढ़िया लग रहा है, पेड़ वगैरह तो माइनक्राफ्ट जैसे ही है, बस इसकी लीव्स थोड़ी अच्छी होंगी, यहाँ देख सकते हो, मतलब वही सीन है माइनक्राफ्ट जैसा ही है, बस ग्राफिक्स थोड़े से मस्त है, क्या बात है। यूआई भी देख सकते हो, कंट्रोल्स भी माइनक्राफ्ट वाले ही है। और ये इस गेम के डेजर्ट विलेज, क्या बात है, वेल भी इसमें ओके। और ये छोटे मोटे विलेजर्स ओके, अरे इसको क्या हुआ भाई फिर से, या मैंने जितने भी ऐसी गेम्स खेली है ज्यादातर विलेजर्स भाई ग्लिच्ड होते हैं, मे बी इनके टेक्सचर्स अभी तक वो नहीं हुए, इसी बात पे तू निकल यहाँ से, सामने मत आ जाना भाई, निकल ले यहाँ से। और ये हमारा एंड कॉलम जो कि थोड़ा सा स्मूथ है, और एड भाई बहुत ऐड। अब देखते हैं इसकी इन्वेंटरी तो अलग ही होगी, इन्वेंटरी में ज्यादा कोई चेंजेस है नहीं भाई जी, देख सकते हो आप। और ओके ये अलग कर दिए भाई, दो तीन छोड़ के, पता नहीं क्या करते हर बार ये। नीचे देख के तो वही सब सेम है भाई, कुछ चेंजेस नहीं है, बस वही टेक्सचर्स का चेंज है, ब्लॉक्स तो सेम ही लग रहे, बस वही टेक्सचर का चेंज है भाई, देख सकते हो आप, स्मूथ कर दिए थोड़े ग्राफिक्स और कुछ नहीं। सबसे पहले यहाँ पे बनाते हैं पोर्टल, देखते हैं भाई नेदर कैसा है इसका, नेदर भी ऐसे ऐसा ही होगा, क्या ही चेंज होगा इसमें, कुछ तो बनाया भाई मैंने ये। चलो भाई ओके ये रहा इसका नेदर, और नेदर तो सेम है भाई, तो ग्राफिक्स में थोड़े से चेंजेस है बाकी सेम है। और ये रही भाई सोल सैंड वैली और उस्टर बाशन बायोम आई थिंक, हाँ। और ये हमारी नॉर्मल वाली बायोम ओके, यहाँ पे क्रिम्सन फॉरेस्ट भी है, सब कुछ एक साथ ही दे दिया भाई, क्या बात है, मस्त है भाई, नेदर तो बिल्कुल सेम है, कोई चेंज नहीं है इसमें तो okay। और ये रहा यहाँ का स्ट्रॉन्ग होल्ड, अब मुझे बस एक पोर्टल ढूंढना भाई, भाई वही तो नहीं मिलता है भाई, एक काम करता हूँ यहाँ बना के देख लेता हूँ, बन गया तो ठीक है, नहीं तो क्या ही कर सकता हूँ मैं। नहीं भाई बन तो नहीं रहा ये, और पोर्टल मुझे मिल भी नहीं रहा है, बहुत तेज से ढूंढ रहा क्योंकि मैं। A few moments later। अरे ये तो रहा, अबे साले। चलो भाई और ये रहा इस गेम का एंड, क्या बात है। और ये एंडर ड्रैगन, सबसे पहले भाई ये फोड़ देता हूँ मैं, अरे फोड़ना एक और ये गया अब बता एंडर ड्रैगन अभी लेगा मुझसे पंगे, मेरी शक्तियों का पता चला था तुझे, अच्छा क्या कह रहा हूँ भाई मैं, ये एक ही झटके मुड़ा के फेंक देगा मुझे। तो ये वैसे एंड देख सकते हो, एंड ड्रैगन भी सेम है, टेक्सचर्स का वही चेंज होगा, थोड़ा स्मूथ बन गया होगा। और ये रही यहाँ की एंड सिटी, अरे भाई अंदर ही टेलीपोर्ट हो गया मैं तो। और ये कितनी बड़ी है, ओके अच्छी खासी बड़ी है, ठीक है, मतलब नॉर्मल साइज की है, क्योंकि बहुत सी गेम्स में तो भाई कुछ होता ही नहीं है, बस ये स्ट्रक्चर होता है ये मिडल वाला जो है बस। और यहाँ पे बोट भी होगी, ओके क्या बात है, बोट भी है, मतलब बड़ी एंड सिटी है ये वाली, सही है भाई, गुड, अच्छी गेम है, खेल सकते हो आप, खेलनी हो तो, नहीं खेलनी तो मत खेलो, मुझे क्या है। और ये हमारी आज का आखिरी गेम वर्ल्ड, अरे क्राफ्ट वर्ल्ड, क्राफ्ट अर्थ वर्ल्ड, क्राफ्ट, ये कैसी गेम्स डाउनलोड कर ली भाई मैंने वैसे भाई मोस्ट डाउनलोड गेम्स, अरे भाई लोडिंग तो बहुत मस्त है इसकी, क्या सीन है ये, ग्राफिक्स भी थोड़े अलग है भाई, ये कुछ अलग चीज है भाई, कुछ अलग मामला है, बैकग्राउंड देखो मस्त है, अजीब है थोड़ा सा बट मस्त है। वर्ल्ड क्राफ्ट सिंगल प्लेयर मल्टीप्लेयर मोर गेम्स ऑप्शंस में क्या है भाई, ओके मतलब ये माइनक्राफ्ट की एकदम पूरी कॉपी नहीं है, टेक्सचर पैक क्लासिक मेडिवियल मॉडर्न क्लासिक, पता नहीं भाई कौन सा वाला करूं मैं, क्लासिक करते हैं, थोड़ा टीएनटी को देख के मजा आ रहा था भाई, सही मामला है भाई, ये तो बढ़िया है, सिंगल प्लेयर करते हैं, क्रिएट क्रिएटिव रैंडम वर्ल्ड नहीं चाहिए भाई, मुझे चाहिए प्री डिफाइंड वर्ल्ड, ये क्या होता है, चलो इसको ट्राई करते हैं, ये किस टाइप का वर्ल्ड है जरा देखिए, वर्ल्ड नेम क्या डालूं मैं, हे 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 हे।
अरे क्या डाल दिया ये मैंने। पर ये डिफाइंड वर्ल्ड में मैं भी कोई पता नहीं भाई, मुझे सीरियसली नहीं पता। पर ये डिफाइंड का मतलब पता है लेकिन वर्ल्ड कैसा होगा वो नहीं पता। तो यहाँ पे अरे भाई ये कुछ अजीब मामला है भाई, कुछ तो है भाई इस वर्ल्ड में अजीब भाई। उस तरह वर्ल्ड नहीं है क्या, बस इतना ही है यार। ये कैसी गेम है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर एक इसकी इन्वेंट्री देखते हैं, और इन्वेंट्री के ग्राफिक्स तो बढ़िया है इसमें लेकिन रिसोर्सेज बहुत कम है। बस यही है जो है ना, मैं इसमें नजर जा पाऊंगा क्योंकि फ्लिंट एंड स्टील मुझे कहीं पे देख नहीं रहा, बस एक ऑब्सीडियन है। यार ये कैसी गेम है, मजा नहीं आया भाई, मूड खराब हो गया। बाहर से अच्छी थी लेकिन अंदर से मूड खराब है, एकदम मूड खराब। तो ये इंस्टॉल करो मैं अभी क्राफ्टमैन मास्टर, देखते भाई कैसी होती है। तो खेलते क्राफ्टमैन मास्टर को, लेट्स गो भाई। आई होप ये अच्छे निकले, निकलनी तो चाहिए, बाकी पता नहीं भाई। नहीं निकली तो मैं रो दूंगा, पर मैं रोऊंगा क्यों भाई। किंग स्टूडियो, अच्छा किंग स्टूडियो की गेम है ये। ओके इंटरफेस अच्छा है, और रेड आ गई क्या, बुरा लगता है भाई आप लोग भी जानते हो। वैसे इसमें मामला बढ़िया लग रहा है, ये देख सकते हो थोड़ा जावा जैसा सीन है, मतलब लॉन्चर जो होता है माइनक्राफ्ट का। मार्केट प्लेस, अरे मार्केट प्लेस, एक सेकंड, मार्केट प्लेस में आते मैं वर्ल्ड्स में आ जा रहा हूँ, ये क्या मामला भाई। किन स्टोर, छोड़ो भाई स्क्रीन क्या देख रहा हूँ मैं। अचीवमेंट्स यहाँ पे वर्ल्ड में ले आ रहे, क्या बात है। सेटिंग्स में, ओके सेटिंग्स नॉर्मल माइनक्राफ्ट जैसी है, देख सकते हो। प्ले करते हैं। क्राफ्टर मास्टर मैंने खेली है यार शायद, पता नहीं भाई, मेरे हिसाब से नहीं खेली मैंने, खेली होती तो याद होता मुझे, है नहीं लेकिन इसे तो डाउनलोड की मैंने। वैसे इसकी वर्ल्ड क्रिएशन पुराने वाली माइनक्राफ्ट जैसी है। A few moments later. भाई ये क्राफ्टर मास्टर तो चल ही नहीं रही है, वर्ल्ड क्रिएट नहीं कर पा रहा मैं, पता नहीं क्यों, कोई ग्लिच है मे भी। वर्ल्ड क्रिएट कर ले रहा हूँ बट अंदर नहीं जा रही, क्रैश हो जा रही थी, क्या पता भाई क्या सीन है। तो हमने चार पांच गेम्स ट्राई किए जिसमें से क्राफ्टमैन मास्टर तो चली नहीं, वर्ल्ड क्राफ्ट ने मूड खराब कर दिया, क्राफ्ट वर्ल्ड ने तो कर ही दिया था स्टार्टिंग में ही, रियलम क्राफ्ट सभी ने मूड खराब कर दिया भाई। छोड़ो भाई इनको, बार बात ही नहीं करनी। वैसे आपके पास भी कुछ गेम्स हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मैं आजकल वही गेम्स खेल रहा हूँ जो आप कमेंट कर रहे हो, तो बढ़िया वाली गेम्स कमेंट करना। तो आई थिंक आज के लिए इतना काफी रहेगा, मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।